तो गाइस कैसे हो। तो भाई कभी आपने सोचा है कि जब रिचार्ज करने जाते हो इंटरनेट का या फिर डाटा का, वो 28 डेज, 84 डेज, 91 डेज ऐसा क्यों होता है? राउंड फिगर में क्यों नहीं होता? पर मंथ का क्यों नहीं होता? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बताऊंगा आपको ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या है राज है। तो इंट्रो देख लो, फिर बात करते हैं। गाइस एज यू नो, जब आप कभी भी रिचार्ज करने जाते हो, 1 मंथ का ले लिया, 2 मंथ का ले लिया, या फिर आप ये ले लो 3 मंथ का ले लिया, आपको 28 डेज, 56 डेज या फिर 84 डेज ही प्रोवाइड किया जाता है, 2 दिन करके आपका जो नहीं दिया जाता। 1 मंथ में आपको पता होगा 30 या फिर 31 डेज आता है, लेकिन 28 डेज का ही हमको दिया जाता है, 2 या फिर 3 डेज का वो काट लेते हैं वो। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई कैसे हो सकता है, तो भाई बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो एज यू नो गाइज, एक साल में 365 डेज होता है, जो कि सबको पता होता है। लेकिन अगर भाई सोचो, अगर कंपनीज 30 डेज का एक पैक बनाता, 1 मंथ का एक पैक बनाता 30 या फिर 31 डेज का, तो 2 प्रॉब्लम फेस करना होता। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता भाई, किसी महीने में 28 डेज होता है, जैसे कि फरवरी में 28 डेज होता है, साल में 4 महीने 30 डेज का होता है, 7 महीने 31 डेज का होता है, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। और मैक्सिमम बंदे 1 तारीख को तो रिचार्ज नहीं करते, कोई 15 तारीख, कोई 16 तारीख, वो वेरी करता है बंदे के ऊपर कि वो कब रिचार्ज करेगा। तो भाई उधर एक प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई किसी महीने 31 डेज का है, तो भाई 31 डेज का कैसे करेगा? वो तो 30 डेज का पैक आएगा ना, एक मतलब पैक होता है भाई, उसी टाइमिंग का ही आता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे को ये महीना 31 डेज का है, तो मेरे को 31 डेज का कर दो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये रीज़न नहीं है, मेन रीज़न जो है वो है प्रॉफिट कमाने का। तो भाई कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? तो सोचो भाई, अगर 30 डेज का एक पैक होता तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 30 × 12 मतलब 360 डेज, तो 5 दिन वेस्ट हो जाता। और कंपनी 5 दिन को कैसे वेस्ट कर सकती है? उसमें भी उनको प्रॉफिट कमाना होता है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक पैक 28 डेज का कर दिया। इससे उनको कैसे प्रॉफिट हुआ? अब 28 डेज हो गया, तो भाई 28 डेज × 12 मंथ्स मतलब 336, मतलब होना चाहिए था 360 डेज, लेकिन वो हो गया 336 डेज, तो 24 डेज उनका सेव हो गया। अब ये 24 डेज और वो 5 डेज मिला के एक और महीना हो गया 29 डेज का, मतलब आपको एक साल में 13 बार पे करना पड़ेगा अगर आपको रिचार्ज करवाना है तो। मतलब एक साल का रेवेन्यू उनको ज़्यादा मिल रहा है, और एक साल का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई एक सिंपल ये कैलकुलेशन था कि भाई 28 डेज का कर दिया, जिससे कि जो है 2 दिन 3 दिन करके काट के 24 डेज उनका सेव हो रहा है, और उधर से 5 मतलब 24 + 5 29 डेज उनका एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ रहा है, उनका 29 डेज मतलब एक महीने का ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई यही था मेन रीज़न, क्योंकि भाई 12 महीने के जगह हमको 13 महीना पे करना पड़ता है ना, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो भाई कैसे हमको बुद्धू बनाया जाता है आप देख ही सकते हो, और क्या बोलूँ मैं। लेकिन इंडिया में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, इसीलिए इतना तो बनता है, कोई बात नहीं भाई। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो वीडियो, अगर लगे कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर करो, और अच्छा लगे फिर भी कमेंट करो, बुरा लगे फिर भी कमेंट करो, और अगर कोई गलती लगे तो कमेंट करके बता देना। और अगर कोई पर्सनल मैसेज पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल हूँ, उधर मैं फुटबॉल रिलेटेड एंड टेक रिलेटेड दोनों ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो इधर होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो फॉलो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपका सिद्धांत साइन ऑफ।